नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल खाना पचाना में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट बटर स्कॉच आइसक्रीम। सबसे पहले हमने 1 लीटर दूध लिया है जो कि पैन में डाल के हमने गैस पे चढ़ा दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, मैंने अमूल का लिया हुआ है, और ये ली है हमने 50 ग्राम चीनी, और 1 चम्मच अमूल का सॉल्टेड बटर लेना है, और ये बटर स्कॉच का एसेंस है। अब हमने क्रंच बनाने के लिए ये 1 कटोरी चीनी जो कि वेट में 200 ग्राम है, और ये 1 प्लेट पूरी हलवा प्लेट जो है भर के, ये बादाम और काजू है। अब हमने जो गैस पे दूध चढ़ा रखा था पैन में डाल के, उसमें हमने चीनी डाल दी है, जो 50 ग्राम चीनी ली थी वो डाल दी है, और इसको उबाल आने तक हम इसके अंदर कड़छी मारते रहेंगे ताकि नीचे ना लग जाए और नीचे उबल के एकदम गैस पे ही ना गिर जाए, तो इसको चलाते रहेंगे। अब उबाल आना शुरू हो चुका है दूध में, उबाल आ रहा है, और साइड में तब तक हमने कस्टर्ड पाउडर घोल के रखा हुआ है। थोड़ा सा दूध डाल के 4-5 चम्मच और कस्टर्ड पाउडर में अच्छे से मिला के रखा हुआ है ताकि इस दूध में उबाल आए तब डालना है, और धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा डालना है, एक हाथ से चलाते जाना है और थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर जो है एकदम से गैस पे डालने से जल जाता है, तो इसलिए कटोरी जो एक हाथ में हमारी कटोरी है इसको भी मिलाते रहना है, ये नीचे बैठ जाता है, और पैन में भी डालते जाना, और इस समय हमारी फ्लेम या तो ऑफ होनी चाहिए या बिल्कुल लो होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि हमारा ये कस्टर्ड और ये दूध सारा जल जाएगा। तो मैंने बिल्कुल लो रखी थी फ्लेम, अब हमने थोड़ी मीडियम कर दी है, और अब हम इसको चलाएंगे बराबर, गाढ़ा होने तक इसको चलाते रहेंगे, और अब इस समय हम इसमें जो हमने मिल्क पाउडर लिया है वो डाल देंगे, और फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे कि इसमें लम्स ना पड़ जाए, ताकि ये जो हमारा बैटर है आइसक्रीम का ये एकदम गाढ़ा हो जाए, स्मूथ हो जाए एकदम, आइसक्रीम हमारी बहुत टेस्टी बनेगी इससे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हमने ये सारा मिश्रण हमारा ठंडा हो गया और आइसक्रीम बॉक्स में हमने सारा डाल दिया है, और अब इसके ऊपर हमने फॉइल पेपर चढ़ा के हम फ्रीज़र में रख देंगे, और देखिए कैसे मैंने ये फ्रीज़र में रख दिया है, और कम से कम 8 घंटे के लिए हमारा ये फ्रीज़र में रहेगा। अब हम ये क्रंच कैरेमल तैयार करेंगे, और इसमें हमने अब चीनी डाल दी है जो हमने 200 ग्राम ली थी, पैन के अंदर चीनी डाल के अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते रहेंगे जब तक कि ये चीनी एकदम से मेल्ट ना हो जाए और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तो अब हम इसको चलाते रहेंगे लगातार जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए चीनी। और दोस्तों ये मेरी आइसक्रीम अगर आपको पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है, और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, कलर भी देखिए आ चुका है इसके अंदर, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। अब इसमें हमने जो काजू बादाम काट के रखे थे वो डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे और चलाएंगे थोड़ा, ताकि और अच्छा कलर आ जाए। अब हमारा हो गया ये कैरेमल क्रंच तैयार हो गया। अब हमने एक थाली ली है, उसमें उसको ग्रीस कर दिया, हमारा ये क्रंच और ये सारा कैरेमल तैयार हो चुका है, पलट देंगे, अब हमने एक थाली और 15 मिनट ग्रीस लगाकर साइड में रख देंगे, इसके अंदर ये सारा पलट देंगे और इसको जमा देंगे, फैला देंगे, और इसके अंदर हमने 15 मिनट के लिए सॉल्टेड बटर भी डाल दिया है, वो दिखाना भूल गई मैं आपको। अच्छे से पूरी तरह इसको फैला देंगे। बटर स्कॉच आइसक्रीम में क्रंच ना हो तो खाने का मज़ा ही नहीं आता दोस्तों,
तो ये बहुत जरूरी है। अच्छे से फैला देंगे और स्वाद को भी, और फैला दिया मैंने ये सब, तो आप ट्राई जरूर कीजिए। अब हमने जो ये मिश्रण तैयार किया था वो भी अब तक हमारा ठंडा हो चुका है, कस्टर्ड पाउडर और मिल्क का वो सारा जो मिश्रण बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है। और देखिए ये जो हमारा क्रंच कैरेमल था कैसे निकल गया है, और ये पूरा अच्छे से टेस्टी है। तो हमारा जो मिश्रण ठंडा हो चुका था, फ्रीजर में हमने जो आइसक्रीम रखी थी 8 घंटे हो चुके हैं, और उसके बाद हमने ये एक मिक्सर ग्राइंडर लिया है, उसके अंदर ये सारी आइसक्रीम हम डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि हमारी आइसक्रीम बहुत स्मूथ बने, एकदम क्रीमी क्रीमी सी बने। तो हम सारा इसको ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंड करने से इसका बैटर जो एकदम स्मूथ बनेगा, क्रीमी बनेगा बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर जो है आइस क्यूब्स जो बनते हैं वो नहीं बनेंगे, आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे इसके अंदर। अब वही हमने जो आइस बॉक्स था उसके अंदर हम ये डालते जाएंगे बैटर, और बीच बीच में हम क्रंच डालते जाएंगे। अब हमने ये आइस बॉक्स में हमने अपना बैटर डाल दिया है, तो एक लेयर नीचे बैटर की डालेंगे, मिल्क और कस्टर्ड पाउडर जो वो वाला बैटर, उसके ऊपर हमने ये क्रंच लगा दिया, फिर हमने दोबारा से बैटर डाल दिया, तो एक लेयर उसकी एक लेयर क्रंच की, इस तरह से हमने पूरा ये फिलअप कर देना है, और फिर हमने 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है, फॉइल पेपर लगा के ऊपर ढक्कन लगा के, ताकि अच्छे से आइसक्रीम जम जाए। फॉइल पेपर इसलिए लगाना है कि आइस क्रिस्टल ना बन पाए इसके अंदर, इसलिए। तो दोस्तों ये जो आइसक्रीम है हमारी बटर स्कॉच, ये आप किसी भी मिल्क शेक में या बनाना शेक में, मैंगो शेक में डालकर भी खा सकते हो, और मार्केट से जो कोन मिलते हैं उस कोन में डाल के भी आप अपने बच्चों को दे सकते हो, या वैसे ही बाउल में डाल के भी खा सकते हो, कैसे जैसे आपका जी चाहे वैसे आप खा सकते हो, क्योंकि बनी ही इतनी टेस्टी है। तो अब हम ये पूरी तरह से हमारा बॉक्स तैयार हो गया, और अब हम ये 10 से 12 घंटे के लिए फिर फ्रीज़र में रखेंगे, और उसके बाद हमारी आइसक्रीम तैयार है। तो फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, घर में रहिए, सेफ रहिए।